आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा, जहां बीजेपी के बड़े बड़े सेनापति चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो वहीं खुद अखिलेश और जयंत चौधरी एक रथ पर सवार होकर रण क्षेत्र में उतर रहे हैं। पूरब में विकास के बलबूते बीजेपी का कुनबा मजबूत नजर आ रहा है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि पश्चिम में किसान आंदोलन के बाद हुई नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा और सेनापति पश्चिमी दुर्ग पर मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं इसके उलट अखिलेश यादव का पश्चिमी मैदान मजबूत माना जा रहा है। तो पूरब में व्यूह रचना के बलबूते सपा हुंकार भर रही है, जिसमें कहा जा सकता है कि हर सीट पर मैन टू मैन फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश की लड़ाई में दो ही पार्टियों के बीच घमासान मचा है, जहां आस्था है, विकास है, प्रहार है, जिन्ना है, पाकिस्तान है। बीजेपी जाट सम्मेलन के बैठक और मुलाकात के बाद पश्चिम की लड़ाई में खुद को मजबूत महसूस कर रही है, क्योंकि रिकॉर्ड है कि सपा वाईएम फैक्टर पर चलती है। तो जाट समुदाय के साथ जब 250 जाट नेताओं के साथ बीजेपी ने बैठक की, तो कई कयास लगाए गए। तो वहीं बात करें सपा की, तो सपा अपने गठबंधन को और मजबूत करने में लगी हुई है, और जिस तरह से मुलाकात हुई है और अखिलेश और जयंत चौधरी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, तो उससे भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। जहां अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन पे भी ये सवाल उठने लगे कि क्या 250 नेताओं के साथ जब बीजेपी ने बैठक करी, तो इसका क्या असर होगा? क्या जयंत चौधरी को चुनाव मिलेगा, या उनके पाले के जितने भी जाट फैक्टर के चुनाव, जो भी उनके वोट है, वोट बैंक है, वो बीजेपी के खाते में चले जाएंगे? तो कई कयास लगाने शुरू हो गए। किसान आंदोलन के बाद जो डैमेज हुआ है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये भी सवाल उठने लगा। तो तमाम सवाल है जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पूरा और पश्चिम की राजनीति का क्या हाल है। बीजेपी और सपा जो दो बड़ी पार्टियां हैं यूपी की, और दोनों में जो घमासान मचा हुआ है, बीजेपी का चुनाव जो अच्छा होता जा रहा है और ही रोमांचक होता जा रहा है, कई अलग अलग फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, कई अलग अलग चीजें देखने को मिल रहे हैं। और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान जुड़ रहे हैं, और दोनों ही मेहमान बीजेपी और सपा से बुलाए गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पूर्व और पश्चिम की राजनीति में क्या देखने को मिल रहा है। पश्चिमी दुर्ग की लड़ाई, भाजपा सपा आमने सामने आई, जाटलैंड में बीजेपी ने सेंध लगाई, क्या जयंत चौधरी कुछ कर पाएंगे करिश्माई? और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ रामनिवास यादव जी जुड़ चुके, बीजेपी नेता हैं, और सपा से प्रदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है और कई उठापटक देखने को मिल रही है, तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी ने पश्चिमी दुर्ग पर बड़े बड़े सेनापति उतार दिए हैं, तो क्या ये जीत की एक रणनीति है, क्या कहेंगे रामनिवास जी? 2019 चुनाव में खासकर जाट समाज का हमको वोट मिला, उनका समर्थन मिला, इसीलिए हम लोग भरपूर वोटों से वहां जीते, और हमने सपा बसपा लोकदल सबका वहां सफाया किया। तो उसी तर्ज पर हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है, और इसीलिए क्योंकि उनको विश्वास है, जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जिस तरह से जाट समुदाय के लोगों की हत्याएँ की गई, उनकी बहन बेटियों की बेइज्जत लूटी गई, वो समाजवादी पार्टी सरकार में, तो इतना बड़ा जघन अपराध जिसके साथ हो, तो मैं तो समझता हूँ कि जाट समाज स्वाभिमानी समाज है, कभी ऐसे जघन अपराध को नहीं भूल सकता है, न कभी माफ़ कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उन्हीं जघन अपराधियों के साथ खड़ी है, जिन्हें अपराधियों के द्वारा उनके साथ अपराध किया था। तो जिस तरह से मतलब जो है एक लड़की की जो है सरेआम बेइज्जती की जा रही थी, उसका भाई या उसका मामा बचाव करने का प्रयास कर रहा था, उसके सामने उसकी इज्जत लूटी गई, उसके भाई की उसके मामा की हत्या की गई, वो कौन थे? वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। आज अगर समाजवादी पार्टी उनके साथ चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की जनता
उन्हें कभी नहीं माफ करेगी, क्योंकि जाट समाज स्वाभिमानी समाज है। वो समाज किसी नेता के बरगलाने पर नहीं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़ा रहता है। और जहां तक हम सबको जानकारी है और खासकर जाट समाज को जानकारी है कि मुगलों की जो लड़ाई थी, सबसे पहले पश्चिम से जाट समाज ने शुरू किया उनके खिलाफ, जो पूरे देश में लड़ाई फैली। तो जाट समाज स्वाभिमानी समाज है, कभी भी दंगाइयों का साथ और दंगाइयों का साथ देने वालों को साथ नहीं दे सकता। जी प्रदीप चौधरी जी, बीजेपी ने पश्चिम दुर्ग पर बड़े बड़े सेनापति उतार दिए हैं, शाह, नड्डा, राजनाथ, सभी का बैक टू बैक डोर टू डोर कैंपेन देखने को मिल रहा है। ये कितना असर डालेगा पश्चिम सीटों पर? समाज का स्वाभिमान गिराने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो कोठी जिसमें चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा बसती थी, वो आवाज जिसको कभी गेट बंद किसी भी किसान के लिए नहीं होते थे, वो हरिद्वार में गंगा का घाट जो चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने गंगा के घाट का हरिद्वार नाम बदलने का काम किया। और रात में जबरन माननीय चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जहां आत्मा बसी थी, किसानों की आत्मा बसी थी, उस कोठी को खड़ाने का काम किया। ये वास्तव में स्वाभिमान गिराने की बात इन्होंने की, ये कभी जाट समाज नहीं भूलेगा। और खासकर ये जाट की बात क्यों करते हैं, पश्चिम में सब धर्म के लोग रहते हैं और सब धर्म मिलकर किसान के रूप में, और जो किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जाति की है, किसानों के साथ जो बर्बरता की है, नौजवानों के साथ जो लाठियां बरसाई है, वो जाट समाज कभी नहीं भूलेगा। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने जाट समाज को आरक्षण दिया, इसी भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण को खत्म करने का काम किया, ये भी जाट समाज कभी नहीं भूलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जातों के विरोध में रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जातों का हमेशा नुकसान किया है। हरियाणा में एक अकेला राज्य था देश में जहां जाट समाज का सीएम बनता था, इन्होंने वहां जनादेश का अपमान करके जाट समाज से उनका हक छीनने का काम किया और जाट समाज को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। इनके प्रवक्ता लता द्विवेदी कहते हैं कि जातों की संतुलत खत्म हो गई है, चौधरा खत्म हो गई है। पूछना चाहता हूँ, जब जातों की चौधरा खत्म हो गई है तो क्यों द्वारे द्वारे आपके गृह मंत्री पर्चा बांटते फूक कर रहे हैं? क्यों दिल्ली में जाट समाज कि कौन जाट गया था दिल्ली में, इनसे पूछना चाहता हूँ, कौन चौधरी गया था? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, और वो फर्जी किसान थे। अगर असली किसान होते तो गृह मंत्री का जो हल भेंट किया था वो उल्टा हल भेंट नहीं करते। किसान का हाथिया नीचे रहता है और मुठ्ठा ऊपर रहता है, आप फोटो देख लीजिएगा, उल्टा हल किसानों ने, क्योंकि वो किसान नहीं थे, तथाकथित किसान थे। और रही बात जाटों की, जाट आज लाठी लेके उन किसानों के साथ खड़ा है, उन गन्ना किसानों के साथ खड़ा है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी ने 2016-17 के चुनाव से पहले जो वहां पे हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, उन लोगों को बांटने का काम किया, लड़ाने का काम किया। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराने का काम किया। यही लोग समाज को बांटते हैं, धर्म को जातियों में बांटते हैं, यही लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आज ना कोई जाट है, ना वैश्य है, ना गुर्जर है, ना सैनी है, आज पश्चिम में एक जाति बन गई है और वो जाति है किसान। और किसान अपने 700 किसानों की शहादत का बदला लेगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम से इनके राजनीतिक दरवाजे खुले थे और पश्चिम से इनके दरवाजे बंद करने का सिकाजी काम करेगा। 10 फरवरी को जब पश्चिम में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी में की ताबूत में वो वोट अंतिम कील साबित होगी। राम निवास जी, प्रदीप जी ने भी कहा और ऐसा माना जा रहा है कि जो किसान आंदोलन के बाद डैमेज हुआ उसे कंट्रोल करने के लिए आपके स्टार प्रचारक घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जाके पर्चा बांट रहे हैं, क्या कहेंगे, डैमेज कंट्रोल चल रहा है क्या? नहीं, प्रदीप चौधरी जी अच्छे व्यक्ति हैं, अब क्योंकि समाजवादी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी की भाषा बोलेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था तो दंगाई कौन थे? वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहाँ ना तो यादव सुरक्षित था ना समर सुरक्षित था। सबकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस बहन के सामने उसके भाई के बोटी बोटी काटा गया, उसके मामा काटा गया, उसके साथ रेप किया गया, उसके साथ आप है कि नहीं, उसको न्याय दिलाने की आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो भी जाट समाज की मेरी बहन थी, जिसकी जिस बहन के सामने उसकी इज्जत लूटी जा रही थी, उसने उनके भाई और मामा ने बचाने का काम किया, उनको जिन दंगाइयों ने टुकड़े टुकड़े काट कर फेंका है, हमारी सरकार ने उनको सजा देने का काम किया है। आपकी सरकार ये अखिलेश जी के रहते हुए उनको न्याय नहीं मिला था, उल्टे उनको पुरस्कार मिला दिया गया था, जो दंगाई थे जिन्होंने बोटी बोटी काटा था, अगर हमारे योगी जी ने उनको सजा देने का काम किया है तो मैं समझता हूं वो खाली जाट समाज नहीं,
पूरे हिंदू समाज का वहां स्वाभिमान जागा कि कोई सरकार कोई मुख्यमंत्री आए जो ऐसे लोगों को न्याय देने का काम किया। आज अगर अन्यायियों के साथ आप खड़े हैं तो जाट समाज स्वाभिमानी समाज है कभी भी आपका साथ नहीं दे सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पिछली 2017 में राहुल जी ने अखिलेश जी को बेवकूफ बनाया था, इस बार अखिलेश जी जैन जी को बेवकूफ बना रहे हैं, ये कभी इनके साथ नहीं हो सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन दंगाइयों को छोड़ा गया था आजम खान जी कहने पे, क्या उनको कभी गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटा पाए थे? इनकी सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद मैं उन बहन के जो के साथ दुराचार हुआ और जो उनके भाई और उनके मामा की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, टुकड़े टुकड़े काटे गए थे, ऐसे लोगों को सजा देने का हमारी सरकार ने काम किया है। तो मैं समझता हूं कि जाट समाज कभी नहीं भूल सकता है। और जाट समाज तो 2017-14 हमारे साथ रहा, 17 रहा, 19 रहा, फिर आगे रहेगा। और क्योंकि उस अपराध को छिपाने के लिए आप किसान आंदोलन का नाम लेते हैं, किसानों का नाम लेते हैं कि 700 किसान, 800 किसान, लखीमपुर में 4 किसानों की हत्या हुई, हमारी सरकार ने कार्रवाई की। किसने की? किसने की? आपके मंत्री के बेटा ने, प्रदीप जी, आपके मंत्री के बेटा ने दिन दहाड़े किसानों को मार दिया। 700 किसानों की आप हत्या की बात करते हैं, शहीद होने की बात करते हैं, आपके मंत्री के बेटा ने तक कभी नहीं गया और यहाँ सारे नेता नंगे पांव भागे जा रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ 700 किसान अगर वास्तव में शहीद हुए होते तो आपके नेता या समाजवादी पार्टी नेता कांग्रेस कोई नहीं गया वहां, लेकिन लखीमपुर में 4 नेता गए, वहां सारे नेता गए। तो ये दोहरा चित्र नहीं चलेगा। जाट समाज स्वाभिमानी समाज है और पश्चिम में जाट हमारे साथ है क्योंकि हमने उनको न्याय देने का काम किया है। आपकी सरकार और अखिलेश जी ने कभी न्याय नहीं दिया, इसलिए आप साथ कभी नहीं आ सकता। मैं चाहूंगी, जिस तरह से बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट नेताओं के साथ बैठक की, तो क्या जाटलैंड में सेंध मारी की कोशिश कर रही है बीजेपी, और इससे क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था, ऐसे अटकलें देखने को मिल रही थी कि जिस तरह से 250 जाट नेताओं के साथ बैठक करी है तो उससे जयंत चौधरी के वोट भी चले जाएंगे बीजेपी की तरफ, और बीजेपी से गठबंधन मतलब सपा से गठबंधन के बाद भी जयंत चौधरी भाजपा की तरफ जा सकते हैं, ऐसे अटकलें भी लगाए जा रहे थे, क्या कहेंगे? शिखा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट है। आपने देखा होगा, पहला भारत, विश्व में अकेला देश भारत होगा जिस भारत देश का गृह मंत्री ये कह रहा है, जिस देश का भारत का गृह मंत्री गांव में जाके ये कह रहा है कि लोग पलायन कर सकते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री से। दूसरा, अभी इन्होंने लखीमपुर की बात कही जी। इनको थोड़ा भी शर्म नहीं आई बात कहने में कि इन्हीं के मंत्री ने गाड़ी चढ़ा करके किसानों को मार दिया और ये जातियों में बढ़ना चाहते हैं। मैं इनसे 250 जाट इनके तथाकथित जाट नेता बुलाने से जाट समाज उनका गुलाम नहीं हो गया है, जेल भेजने का काम किया जी, गुलाम नहीं हो गया है। जाट समाज अब किसान बन गया है और किसान सब जाति धर्म को लेकर के, किसानियत के नाते गन्ना भुगतान के इशू को लेकर के, तमाम किसानों की हत्या को लेकर के, एक वर्ष तक चला काले कानून के धरना प्रदर्शन, मारे गए किसानों की शहादत को लेकर के, लखीमपुर में जो गड़बड़ है उसको लेकर के, और एक बहन की बात करते हैं, एक बहन वो भी थी उन्नाव में जिसके माँ बहन भाई सबको मरवा दिया इनके विधायक में, एक बहन मनीषा वाल्मीकि भी थी हाथरस में, माँ बाप को मुंह नहीं देखने दिया, उनको रात के 12 बजे मिट्टी का तेल जला के डाल के जला दिया इन लोगों ने, तब बहन नहीं थी। ये लोग जाति की बात करते हैं, बहन बेटी होती है, चाहे वाल्मीकि की हो, चाहे छत्री की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, अत्याचार किसी के साथ होगा वो किसान समाज, जाट समाज नहीं कहिएगा, जाट जाट कहकर के लोग किसानों में बंटवारा करना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बिरादरी रहती है और किसान ने शिखा जी लाठी हाथ में ले रखी है, आपके चैनल बताते हैं 300 पार, और गांव में इनके विधायक लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, इसलिए छटपटाहट है। इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके गृह मंत्री, इनके रक्षा मंत्री गांव में ऐसे पर्चे बांट रहे हैं जैसे दिल्ली में बांटे थे और कोरोना फैला रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा, थूक लगा के इनके गृह मंत्री पर्चा बांट रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर मुकदमा लिखना चाहिए, वो इस महामारी के दौर में कोरोना फैलाना चाहते हैं, थूक लगा के पर्चे जीभ से बांट रहे हैं, प्रतिबंधित है कि कोई 2 गज की दूरी रखेगा और वो ऐसे पर्चे बांट रहे हैं। इसीलिए ये लोग कानून को नहीं मानते हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग जाति और धर्म के अलावा वोट मांगी है ना गन्ना किसान के भुगतान के ऊपर, वोट मांगी है पश्चिम में विकास के ऊपर, वोट मांगी है रोजगार के ऊपर, वोट मांगी है शिक्षा के ऊपर, वोट मांगी है स्वास्थ्य के ऊपर, वोट मांगेंगे रमजान शमशान गन्ना और जिन्ना के ऊपर। अरे वोट मांगना जिन्ना छोड़िए, गन्ना पे मांग, अब गन्ना चलेगा पश्चिम में रामनिवास जी, तुम्हारे बहकावे में इस भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब में कोई आने वाला नहीं है। सपा कर रही है ना, ये लोग करते हैं, इन पे कोई स्वास्थ्य, इनका कोई मॉडल नहीं है। ये विकास की भला बताइए, कितने नौजवानों ने भर्तियां की, कितने नौजवान नौकरी लगाए, नौजवान जाता लाठी खा के आता है,
26 तारीख को रेलवे भर्ती बोर्ड टेस्ट देने गए, छात्रों को हॉस्टल से घसी घसे आतंकवादियों की तरह इन्होंने पीटा। आज वो नौजवान लाठी लेके खड़ा है, उन्हीं लाठियों से इनका हिसाब करेगा। और 10 फरवरी को पश्चिम से एक एक बोर्ड साइकिल और हेडपंप पे डलने के बाद इनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का यही किसान और नौजवान ठिकाजी करेगा। जी रामनिवाल जी, जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा कि आप जिन्ना और पाकिस्तान की बात करते हैं, और आप यानी कि बीजेपी हमेशा ये मुद्दा उठाती है कि सपा जिन्ना और पाकिस्तान की बात, गन्ना पे वोट मांगिए, गन्ना पे रामनिवाल जी गन्ना पे वोट मांगिए, कोई घुसने नहीं देगा गांव में। तुमने कहा हम गन्ना भुगतान करेंगे, तुमने लगातार किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया है। प्रदीप जी आप अच्छे व्यक्ति, मेरी बात सुनिए। नेहा जी, न्यूज चैनल पे सारे डिबेट पे आप देख रही थी कि किस तरह अखिलेश जी ने जिन्ना का नाम लिया, उन्होंने सरदार पटेल जी से तुलना कर दी जिन्ना की, और पाकिस्तान नाम अटल जी तो अरबानी जी तो मजाक कर रहे थे जिन्ना के। अरबानी जी गए नहीं गए, आप बताइए, अरबानी जी जिन्ना को महान कहा नहीं था, अरबानी जी मजाक पे गए नहीं गए थे, बताइए, अरबानी पाकिस्तान जाकर के जिन्ना की मजाक पर, जिन्ना की मजाक पर चद्दर चढ़ा के नहीं आए थे, आप बताइए, जवाब दीजिए चैनल पे। आप जना बिरयानी खाने बगैर प्रोटोकॉल के घूम जाता है, पंजाब के किसानों से कहते हैं कि हम जिंदा लौट आए, और पाकिस्तान में बिरयानी बिरयानी खाने के लिए बगैर किसी कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के झाड़ बता देंगे प्रधानमंत्री। देश के लोगों से उनको जान का खतरा है, और बिरयानी खाने में उनको खतरा नहीं आता है, हम केवल भाई दो भाई को लड़ाने का काम करते हैं। किसान भी कब से अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। नेहा जी मैं बता रहा हूँ आपको, जी प्रदीप जी आप कहते हैं कि वो चंडीगढ़ में भीड़ नहीं थी, आप पंजाब में भीड़ नहीं थी, आप कह रहे थे अपने सीएम को बताने में जिंदा लौट आया हूँ, तुमको अपने देश में खतरा है, सामने पीएम को अपने देश में खतरा है, पाकिस्तान बयानी खाने जा गया, पाकिस्तान रात के दो बजे बगैर किसी प्रोटोकॉल के तुम लोगों को जनता तुम्हारा नकाब उतरेगा। रामनिवास जी 10 तारीख को पश्चिम से तुम्हारा टुकड़ा साफ होने जा रहा है, 10 तारीख को टुकड़ा साफ होने जा रहा है, अब गन्ना चलेगा, नौजवान की लाठी, एक एक बोर्ड का 8% का हिसाब, एक एक बोर्ड का हिसाब बोर्ड से नौजवान लेगा, जो लाठी आपने लखनऊ में दी है, जो आपने मुकदमे नौजवानों को जेल भेजा है। उत्तर प्रदेश जनता समझदार है, अभी पता लग गया आपको 10 तारीख को आपका दरवाजा बंद होने जा रहा है, जो सत्ता के ख्वाब आप पाले हुए ना, एक आपको नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, काम किया है। वहाँ का जाट समाज जानता है कि ये गठबंधन, अरे जाट मत कहिए भाई, किसान कहिए, क्यों जातियों में लोगों को बांटना चाहते हो, आप भाईचारे को तोड़ना चाहते हो, आप भाईचारे को तोड़ना चाहते हो, क्यों जात जात कर रहे हो, किसान की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर किसान की लड़ाई लड़ेगा, पता है कि हमारे समाज जी आप जाति में बांटते हो, धर्म में बांटते हो, बात करते हो, जिस तरह से पश्चिम में संयुक्त रूप से अखिलेश और जयंत उतरे हैं, तो ये क्या जाट नेताओं के साथ बैठक का असर देखने को मिला है, संयुक्त रूप से एक साथ क्यों उतरे? नहीं नेहा जी, अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव और जयंत जी नहीं, सर्व समाज के साथ है, किसानों की बात के साथ है, नौजवानों के साथ है, वो किसी जाति या धर्म के साथ नहीं है। ये लोग जाति और धर्म की बात करते हैं, लोगों को जाति में बांटना चाहते हैं, क्या किसान केवल जाट होता है? हर जाति धर्म का व्यक्ति खेती करता है, और किसान की कोई जाति नहीं होती है, और किसान केवल लड़ाई लड़ेगा गन्ना पे, नौजवान लड़ेगा नौकरी पर, रोजगार पर, और उन 700 किसानों की शहादत पे। इनके पास कोई जवाब है? इनके पास जवाब है 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? और पंजाब में प्रधानमंत्री कहते हैं, बता देना अपने सीएम को मैं जिंदा लौट आया, वो किसान नहीं थे, अपनी जान की चिंता थी, अरे एक दिन सबको जाना है, लेकिन किसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन तो लखीमपुर खेरी में आज तक इनका मंत्री, उनके गृह मंत्री दूरबीन लगा के देख रहे थे, कोई अपराधी नहीं है, और बगल में ट्रेनी बैठा था इनके, इनको शर्म नहीं आती है? किसानों को कुचलने वाला, किसानों को कुचलने वाला बगल में बैठा, आज भी मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। और प्रदीप जी, जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने साथ लिया हुआ है, तो क्या वाईएम फैक्टर के साथ साथ किसानों का मुद्दा लेके चल रहे हैं? किसान कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जैन जी के हाथ में गन्ना की पोटली थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अन्य संकल्प लिया, पोटली साथ लेके चलते हैं, कि जो अन्नदाता के साथ अत्याचार करेगा हम उसके खिलाफ हैं, अन्नदाता के साथ रहेंगे, और आने वाली 10 फरवरी को यही अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम से खदेड़ने का काम करेगा, और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी ने इनका पहले ही इंतजाम कर दिया है। रामनिवास जी, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, काफी किसान नाराज हुए, इसका असर काफी देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने अभी भी कहा था कि डैमेज कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और गन्ना किसान तो काफी समय से अपना प्रदर्शन भी करते आए हैं और अपनी मांगे उठाते आए हैं, क्या कहेंगे? क्या किसान आपके समर्थन में नहीं है? सपा जिस तरह से उनको लेके चल रही है, क्या सपा को मिल जाएगा किसानों का समर्थन?
नहीं शिखा जी, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का सपा बसपा दोनों का मिला के लगभग 53,000 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने दोनों का वो भुगतान किया, इस सरकार की 1,53,000 करोड़ से ज्यादा हमारी सरकार ने गन्ने के भुगतान किया है। 8% गन्ना बचा है, उस पर भी सरकार ने हमारी कहा है कि जो मिल नहीं देगी वो भी कांग्रेस के बड़े नेता है उनकी मिल है। वो सरकार ने अल्टीमेटम दिया, अगर नहीं देंगे तो ब्याज से देना पड़ेगा। अगर इतना काम किया जा रहा है प्रदीप जी, शांत मील किसी नेता के अंदर डाली है, क्योंकि अखिलेश जी प्रदीप जी सुनने के अंदर डाली है, सरकार को मिला दिया कि धागा पेमेंट देना, आप भाना मत बनाइए कि जैसा आचरण मत दिखाइए। प्रदीप जी मील आप लगा लीजिए, लेकर रहेंगे प्रदीप जी, अपनी पार्टी जैसा आचरण मत दिखाइए। आप अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए बात सुनने काम करिए, क्योंकि आपकी पार्टी जो आचरण है उसका प्रदर्शन टीवी पे मत करिए। आपका आचरण हमको पता है, अपनी पार्टी के आचरण का प्रदर्शन सुनने का आचरण की बात करोगे, तुमसे घटिया आचरण को मरवा देते हो, मिट्टी का तेल देने वाल्मीकि बेटी को जलवा देते हो, आप आचरण की बात करोगे। कृपया करके एक एक करके बोलिए ताकि जवाब सुना जा सके दोनों का। राम निवास जी, किसान काफी नाखुश नजर आ रहे, अगर आपकी सरकार ने इतना काम किया है तो गन्ना किसान अभी भी क्यों रुष्ट है? नहीं शिखा जी, देखिए जिस तरह विपक्ष ने भ्रम फैलाने काम किया था आज, तो किसान क्या किसान अपने दिमाग से नहीं काम करता है? क्या राजनीतिक दलों द्वारा भड़काने से भड़क जाता है किसान? जिस तरह से उनको बरगलाने का विपक्ष के लोगों ने काम किया था, आज किसान को अच्छी तरह पता है कि पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा हम किसान सम्मान निधि किसान भाइयों को दे रहे हैं। कोई किसान एक भी किसान नाराज होता तो हमको वापस कर देता कि हम नहीं लेंगे किसान सम्मान निधि। पूरे देश में एक भी किसान नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में अगर किसानों को नहीं मिल रहा है तो उस पर कोई बात नहीं करेगा कि वहां की सरकार नहीं दे रही। अगर केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मिल करके लगभग देश में 11 उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 किसानों को दे रहे हैं। कृषि कानून के वक्त भी यही हुआ था, आपने यही कहा था, बीजेपी यही कह रही थी। शिखा जी, मैंने कहा कि 2,55,00,000 किसान भाइयों को हम दे रहे हैं, एक भी किसान भाई हमको आज तक वापस नहीं किया कि हम नहीं लेंगे। अगर हमसे नाराज होता, नाखुश होता, गलत बताया जा रहा था, लेकिन अभी विपक्ष का काम है, हमने अपनी बात रखी है। किसान भाई हमारे साथ, उनको पता है कि मोदी जी योगी जी हमारे हित काम कर रहे हैं और जो भी हमारे हित में होगा वो आगे भी करते रहेंगे। विपक्ष के लोग हैं, उनकी बौखलाहट है, लगातार 3-3 चुनाव हार रहे हैं। कोई व्यक्ति 3 बार अगर हारेगा तो उसकी आप दशा समझ सकती हैं। भाई मुलायम सिंह जी देश के बड़े नेता थे, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। अखिलेश जी कब के नेता हो गए? भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, उसके सीधे आके मुख्यमंत्री बन गए यहाँ, तो उन्हें किसानों के बारे में क्या जानकारी? मुलायम सिंह जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो है कि किसानों का हित हो रहा। मुलायम सिंह जी लगातार उन्होंने तारीफ की लोकसभा के अंदर, माननीय मोदी जी की तारीफ की, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उन्होंने योगी जी की तारीफ की कि आप पूरे प्रदेश का भला कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं, इसलिए आप सबका बना रहना चाहिए जी। और अखिलेश जी कब किसान नेता हो गए? भाई पिछली बार 2017 में राहुल जी के साथ मिलकर गठबंधन किए, और जैन जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार से हैं और उनको अच्छी समझ है, और जिस तरह से पिछली बार राहुल जी ने बेवकूफ बना काम किया था वैसे इस बार अखिलेश जी ने उन पर प्रयोग किया है, और धीरे धीरे जैन जी समझ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अखिलेश जी लग रहा है कहीं चले न जाएं जी, रामनिवास जी प्रदीप जी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं राजनीति को लेकर, अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर सवाल उठा रहे, साथ ही गठबंधन को लेकर भी, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन है, क्या कहेंगे? शिखा जी मुझे शर्म आती है कि रामकुमार जी किसने नेता बना दिए। अखिलेश यादव जी 3 बार लोकसभा के मेंबर रहे, 3 बार कन्नौज से। अखिलेश यादव जी विधान परिषद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कब के नेता हैं, इसी से इनका पता लगता है भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन पर चेहरा क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी कब के नेता है? योगी जी तो अपराधी थे, उनका शपथ पत्र उठा लीजिए, अपने मुकदमे वापस लिए। अरे थोड़ा सम्मान रखिए नेताओं के बारे में, वो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, 5 बार 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, और 4थी बार लोकसभा के सांसद है। आप क्या हो किसानों के बारे में? नहीं आप क्या हो, ऐसी भाषा बोलोगे? आपको शर्म नहीं आती भाषा बोलते हुए? यही भाषा आपको जवाब देगी, सांसद बने, यही भाषा आपको जवाब देगी। आप हमारे नेता के बारे में कैसे नेता हो? आप बाढ़ के मेंबर भी नहीं होंगे राम निवास जी, इस बार आप मुझे लगता है बाढ़ के मेंबर भी नहीं होंगे, और वो चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के, उनके पिता 3 बार चीफ मिनिस्टर रखे मंत्री रहे।
काम नहीं चलेगा। ये सभी जानते हैं कि ये सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरह से राजनीति की शुरुआत करी है। कुछ भी कहने से बदलाव नहीं हो जाएगा और शांति से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैडम जी, मैडम वो चीफ मिनिस्टर से पहले 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 3 बार कन्नौज से। इतिहास बदला नहीं जा सकता। नेता नहीं है क्या कर्म पर बैठ गए हों भाई? नेता जी के रहमो करम पर हुए, उनके बेटे हैं, हो गए। कोई ना कोई रहमो किसान नेता कब के हो गए? जनाधार वाले नेता हैं पूरा जीवन ऑस्ट्रेलिया रहे, आप भी हो किसी के चैनल पर बैठे हो, आप पहले शादी के बाद लोकसभा में बैठे हो और मुलायम सिंह जी की वजह मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब पहली बार अगर वो बनेंगे तो लगेगा अपने बल पर बनेंगे। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री बन गए, हार रहे हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री बने, योगी जी मोदी की वजह से सीएम बने। हटा दो भाजपा से, कल सीएम बन के बता दें उनके नाम। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी योगी जी सीएम किसी वजह से बने। मैं दोनों को रोकना चाहूंगी क्योंकि मुद्दे पे वापस चलना चाहते हैं हम। किसी की जीवन की राजनीति पे नहीं चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे आज, पूरब की राजनीति पे, पश्चिम की राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं। तो जिस तरह से प्रदीप जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 250 जाट नेताओं के साथ बीजेपी ने बैठक करी, आपको क्या लगता है इसका क्या असर देखने को मिलेगा? मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, जनाधार खिसक रहा है। आज जाट समाज जाट की बजाय किसान बन गया है। इन लोगों को यह निश्चित ही पिछली बार जाट समाज बहकावे में आ गया था, क्योंकि जाट समाज क्रांतिकारी, भारत माता से प्यार करता है, इन्होंने बहका लिया था, तमाम वोट इनके साथ चला गया था। इस बार जाटों ने ये देख लिया कि जाटों के तमाम नौजवान हमारे समाज के, मैं क्योंकि मैं भी जाट समाज से आता हूं जी, तमाम दो दो नंबरों से लोग नौकरी से वंचित रह गए केंद्र में आरक्षण ना होने की वजह से। तमाम नौजवान ऐसे थे जो नौकरी लग सकते थे, आरक्षण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही सबसे पहले जाटों का आरक्षण खत्म किया, उसके बाद स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा। लेकिन जब 250 नेताओं के साथ बीजेपी ने बैठक की तो जयंत चौधरी को भी धक्का लगने लगा। नेताओं का आप इसी, मैं सका जी बताना चाहता हूँ, वो 250 नेता कोई जाट नेता नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी थे। तमाम राजनीतिक दलों में लोग राजनीति करते हैं, वो इनके अपने लोग हैं। 3 जिला पंचायत थे भाजपा के, बताइए परवेश स्वार सिंह जी का बेटा कौन नहीं जानता, वो भाजपा के लोग हैं, सांसद जी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तमाम लोग जो जाट इनके भारतीय जनता पार्टी में, उनको बुलाया था, क्योंकि आज उन जाट नेताओं की यह हैसियत नहीं है कि वो गांव में जाके वोट मांग सकें। आज तमाम इनके विधायक पीटे जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। आप बताइए भारतीय जनता और किसी को क्यों नहीं, कोई जनता गांव में घुसने से रोक रही है? हमारे यहाँ पूरन प्रकाश भाजपा के विधायक है, 4 बार गांव में ठुक चुके हैं, 4 बार उनको लोग भगा चुके हैं। तमाम नेता हमारे यहाँ, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को लोग गलियों में नहीं घुसने दे रहे हैं। 2017 की जीत को दोहराने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? क्या ये 250 नेताओं के साथ बैठक करके और डोर टू डोर कैंपेन करके क्या जीत हासिल हो जाएगी? क्योंकि पहले तो दूसरी ओर ध्यान दिया और अब इस तरफ आ गए हैं। नहीं शिखा जी, उत्तर प्रदेश की जनता का 2014 से ही हमारे साथ समर्थन है, हम उनके लिए लगातार उनके विकास की, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं और उनको सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अब चुनाव आ गया है भाई, पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिखी, आज जैन जिससे गठबंधन करके आज समाजवादी पार्टी कह रही कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं 2014 में बुरी तरह हारे, 2017 में बुरी तरह हारे, 2019 में बुरी तरह हारे और 2022 में बुरी तरह हारेंगे और 2024 में समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा यहाँ नहीं बचेगा। रही बात जैन जी की, जैन जी अच्छे परिवार से हैं, इनके पिताजी बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी बड़े नेता थे। अब उनको अखिलेश जी ने बरगला के अपने साथ किया है, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ हमारा हित नहीं है, इसलिए देखिए लगातार दूरी बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी पकड़े छोड़ नहीं रहे। और 10 तारीख के बाद जैन जी को लगेगा कि हम जिनके साथ थे वो कौन थे, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्याएं की, बलात्कार किया, उनके साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं? ये जाट समाज इतने जानता है, इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी समर्थन नहीं मिलेगा। उम्मीद कर रही है सपा और जिस तरह से गठबंधन देखने को मिल रहा है दोनों का, वाईएम फैक्टर भी देखने को मिलता है, जाट समर्थन भी मिल रहा है और बाकी कौन कौन से लोगों का या फिर वर्ग का समर्थन देखने को मिलेगा? जी पहले तो रामनिवास जी को बता देना चाहता हूँ, आपकी बात में दम है कि जैन जी भूले नहीं है हाथरस में जो लाठियां उनकी पीठ पर बरसी जी, जैन जी में जो लाठियां दी गई थी पीड़ित से मिले जा रहे, वो आप ही की सरकार ने मारी थी। जयंती जी को भूले नहीं है उनके दादा की कोठी किसने खाली कराई थी। जैन जी भूले नहीं है कि उनके साथ तमाम अत्याचार किसने किए थे, इसीलिए आज वो सही जगह पे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत थी,
उत्तर प्रदेश में किसानों की वाणी मुलायम सिंह जी के पास थी और चौधरी अजीत सिंह के पास थी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दोनों विरासतों को एक ना हो जा हमेशा फूट डाली थी। आज पहली बार चौधरी चरण सिंह जी के दोनों अन्यायी एक मंच पे हैं और एक मंच पे आने के बाद आज बार बार ये दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है मैं इस राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। इनके गृहमंत्री कह रहे हैं जैन जी को याद कर रहे हैं क्योंकि इनकी ये बौखलाहट हताश बता रही है। अखिलेश और जैन जी ने गठबंधन करके गलती कर दी है, जयंत ने कहा, यही लोग तो कह रहे हैं इनको इनकी दाल नहीं कर रही है। अब जयंत जी ने इनको मौका नहीं दिया। जैन जी किसी कीमत पे भाजपा में नहीं जाना चाहते, ये चाहते थे कैसे भी भाजपा में आ जाएं, क्योंकि जयंत जी की पीठ पे आज भी वो लाठियां छपी हैं जो हाथ रस में इन लोगों ने मारी थी। जैन जी वो अपमान कभी नहीं भूलेंगे। एक प्रधानमंत्री के पोते के साथ ऐसा व्यवहार, एक लोकसभा के सांसद के साथ ऐसा व्यवहार, एक कृषि भारत सरकार में लगातार कृषि मंत्री उद्यान मंत्री रहने वाले उनके पुत्र के साथ आज जैन जी नहीं, आज जैन जी के पीठ पर जो लाठियां हैं पूरा जार समाज देख रहा है। उस लाठियों को रात में सपने में भी वो हाथरसी लाठियां याद आती हैं, इसलिए वो लाठियां तेल लगा के रखी हुई हैं। आने वाली 10 तारीख को लाठियां वोट के रूप में तब्दील होंगी। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है, फाइनल कमेंट चाहेंगे? 350+ लेकर के सरकार बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत की, डबल अंक में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। नोट कर लीजिए मेरी बात को, आप 10 तारीख को हम दोबारा बैठेंगे तो परिणाम तो 10 तारीख को आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 10 तारीख को डबल अंक में भाजपा आएगी। और हमारे साथ बीजेपी से राम निवास यादव जी और सपा से प्रदीप चौधरी जी जुड़े थे, तो दोनों से हमने चर्चा करी कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति चरम पर है, आस्था विकास देखने को मिल रहा है, प्रहार देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, जिंदा पाकिस्तान भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं विकास भी देखने को मिल रहा है, जाट समुदाय भी अब आगे आ गया है। बहुत कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में। जहां बीजेपी पूरब में फ्लाईओवर एक्सप्रेस वे बना रही थी, तो वहीं अखिलेश भी मेरठ में और मेरठ को लेकर पश्चिम में तमाम जगह रैलियां करते हुए नजर आए, जनसभा करते हुए नजर आए, और अब दोनों ही जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प हो गया है कि आखिर जो 10 तारीख को परिणाम आएगा इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या किसान नाराज हैं अभी भी, उसका परिणाम देखने को मिलेगा? क्या किसानों का समर्थन सपा की तरफ जाएगा, या फिर जो विकास कार्य करे, जिस तरह से बीजेपी कहती है कि किसानों के लिए काम किया है, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा? तो जो भी काम किया गया है वो चाहे सपा की तरफ से हो या फिर भाजपा की तरफ से हो, इसका नाम आएगा 10 तारीख को। तब तक हम करते रहेंगे तमाम मुद्दों पर चर्चा। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।